हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में नई सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई प्रेषित करते हुए कहा। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और उनकी पूरी सरकार का नई सरकार में पद ग्रहण करने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि राज्य कर्मचारी महासंघ जो विगत 5 वर्षों में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार तक अपनी बात रखता रहा, भेजता रहा, लेकिन सरकार ने राज्य कर्मचारी महासंघ की बातों को नजरअंदाज किया, कर्मचारियों के मुद्दों को गौण किया और एक क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को प्रदेश के तमाम कर्मचारियों पेंशनरों के ऊपर थोप दिया, जिसकी वजह से पंजाब ने जो वेतनमान हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पंजाब के कर्मचारियों के लिए संशोधित किया था उसे भी टुकड़ों में देकर और पंजाब से डाइवर्ट करके हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लागू किया। इस प्रकार से जहां कर्मचारी अधिकारी पेंशनर या आने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को जो उनके मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र से था सिराजी प्रेम के चलते प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर थोपा और प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर ग्रहण लगवा दिया, उसके लिए राज्य कर्मचारी महासंघ अब उम्मीद करता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी क्योंकि बड़े संघर्ष से निकल कर आए हैं, इनको छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े मुद्दों तक की समझ है और ये परिस्थितियों को समझते हैं। राज्य कर्मचारी महासंघ उम्मीद करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक पहल करते हुए प्रदेश के तमाम जितने भी संगठन है उस संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करें, संगठन अपना वहां पे मांग पत्र प्रस्तुत करें और उस मांग पत्र पर एक समेकित चर्चा के बाद उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी चाहिए उसको करेंगे। हम राज्य कर्मचारी महासंघ का पहले से ही मानना है कि प्रदेश और देश के कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन बहाली है वो नितांत आवश्यक है। हमारा यह भी मानना है कि एक समान सेवा नियम और सेवा शर्तें कर्मचारियों के लिए कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता एक जमीन से जुड़े व्यक्ति के हाथ में आई है और उन्हें पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के मामले में बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं लेकिन कर्मचारी और सरकार के बीच में तालमेल बिठाते हुए इन सभी चुनौतियों को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारी राजनीति को अपने चुनाव क्षेत्र सिराज तक सीमित कर दिया था और अपने चहेते को कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बनाकर बाकी सभी कर्मचारी संगठनों को नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से चुने गए कर्मचारी प्रतिनिधि वाले संगठनों को जयराम सरकार ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब वर्तमान मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वह चुने हुए संगठनों से बातचीत करें। उन्होंने पंजाब वेतनमान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पंजाब वेतनमान हिमाचल के कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। पूर्व सरकार द्वारा पंजाब वेतनमान हिमाचल में लागू करने पर कई वेतन विसंगतियां सामने आई हैं, जिनका कोई हल नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए, उसमें सभी कर्मचारी सरकार का समर्थन करेंगे और यह बैठक बजट सत्र से पहले हो जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों के साथ सही तरीके का संवाद स्थापित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।